बोलिए सच्चे पहाड़ की जय। बोलिए रानी सती दादी की जय। बोलिए झुंझुनू की महारानी की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए राधे रानी की जय। बोलिए गिराज धरण की जय। बोलिए सावरिया सेठ की जय। बोलिए बालाजी महाराज की जय। बोलिए बाबा भूतनाथ की जय। एक जयकार, जो जयकार जयकार लगने मात्र से काम बन जाते हैं, सब मिलकर बोले बोले हारे के सहारे की जय। खाटू कौन कौन जानता है? खाटू वाले कौन कौन ऐसा है जो खाटू गया है? एक बार हाथ उठाकर बताएं जो खाटू गए। आप नहीं गए? जो खाटू गए वो हाथ उठाए। शर्म ना करें, नीचे कर लो। जो कभी नहीं खाटू गए वो एक बार हाथ उठाए। जो कभी खाटू नहीं गए, यहाँ से डायरेक्ट ट्रेन जाती है जयपुर की, जोधपुर में ही। थोड़ा सा समय खर्चा करो आप, हो सकता है आपके पास सब कुछ हो, लेकिन वहां जाने के बाद वो मिलेगा जो दुनिया में कहीं नहीं मिलता, और फर्स्ट टाइम में मिलता है, पहली बार में। आप गए? सच है ना बात? जो खाटू नहीं गया, 5 साल बाद जाओगे, जाना पड़ेगा, लेकिन 5 साल बाद हम लोग को जब बाबा ने बुलाया तब मंदिर में घंटों घंटों रहते थे, मंदिर के चबूतरे पर घंटों कीर्तन करते रहते, बैठे रहते थे मंदिर में 11 के दिन में भी। आज मंदिर में 2 मिनट भी खड़े होने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि इतनी भीड़ पड़ गई। लेकिन वो संतोष है कि बाबा के मंदिर में 5-5, 7-7 घंटे भी रहते थे। आज कम से कम लाइन लगानी पड़ती है तो मंदिर के बाहर घंटे भर में, आधे घंटे में, 2 घंटे में नंबर आ जाता है। 5 साल बाद हो सकता है रिंगस से लाइन लगानी पड़े आप लोगों को, इसलिए पहले ही पकड़ लो बाबा का, जरूर जाना। फागुन का मेला है 16-17 मार्च, 17-18 मार्च, कोशिश कीजिए कि मेले पर पहुंचे। कसम से आम बाबा की, जो काम नहीं बन रहा है पहली बार में बनेगा, ये वादा है। आइए, लेकिन कीर्तन करने के लिए कौन कौन बैठा है एक बार बताओ, दिल से बताना। आप लोग जगह के चलते वहां बैठे हो, लेकिन दूरी मीटर में हो सकती है, लेकिन शाम के कीर्तन करने वाला कहीं भी बैठा हो शाम वहां पहुंचता है। इसीलिए मेरे साथ दिल से, बहुत थके हुए आज, हालांकि 27-28 किलोमीटर का सफर था, परसों 35 किलोमीटर भी पार किया, लेकिन आज आपके इस ब्रिज ने पूरी जान ले ली। सुबह से बारिश में ही चल रहे, और ये 4 किलोमीटर का जो ब्रिज आपका, वो 40 किलोमीटर के बराबर लगा, बहुत तकलीफ। हर पदयात्री आज बिल्कुल हिम्मत नहीं है, लेकिन दरबार में पहुंचे इसलिए क्योंकि आप यहां पर मौजूद हैं।
इसलिए मेरा निवेदन रहेगा बाबा आपके पास आया हुआ है, खाटू वाला चलकर खाटू से आया है, इसका सम्मान करने के लिए दो तीन भजन दिल से सुनाइए मेरे बाबा को। मैं वादा करता हूँ हम लोग सुबह जब निकलेंगे तो अरदास करके निकलेंगे, अर्जी लगाकर बाबा क्रिटेरियो ओमसन में जितने भी प्रेमियों ने आपके दर्शन किए उनका काम बनना चाहिए। बोले हारे के सहारे की अपने से तोल मत लेना।
भाई ने भेड़ा घर कर रखा है। हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, किसकी फोटो खींच रहे हो भाई? शाम तुम्हारी खींचने के लिए इंतजार कर रहा, लेकिन तुम्हारा ध्यान शाम में है ही नहीं। 35 mm का लाइट चल रहा है वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड लाइट चल रहा है 35 mm का। और 71 दिन कम से कम जो पदयात्री हैं हमारे, 71 दिन तो इन कीर्तनों का आनंद ले लो प्रेमी, दुनिया में कुछ भी कर लेना, प्रभु को दिखाने के लिए कुछ भी कर लेना, मुझे नहीं पता दिखेगा कि नहीं दिखेगा, गारंटी नहीं है, लेकिन कसम बाबा की रोज एक भजन दिल से सुना देना, आपका गुलाम बन जाएगा।
हमारी
देखो आज मन नहीं भरे तो कल 19 किलोमीटर सासाराम, सासाराम वाले भैया लोग सब आए हुए हैं, और परसों सासाराम से 25 किलोमीटर खुदरा, परसों खुदरा वाले भी आए हुए हैं, परसों 25 किलोमीटर खुदरा और तरसों मोहनिया 20-25 किलोमीटर होगा, और उसके बाद 28 तारीख को सैयद राजा 22 किलोमीटर, और 29 तारीख को सैयद राजा से मुगल सराय 25 किलोमीटर, और 30 तारीख को मुगल सराय से वाराणसी बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में सिर्फ 16 किलोमीटर। ये 5-6 दिनों का मैं बाबा की सवारी कहाँ कहाँ जाएगी और कहाँ कहाँ पड़ाव है, और रोज कीर्तन है, इतनी दूर तक तो आप आ सकते हो अगर आपका मन करे, जरूर पधारिए। जितनी ज्यादा बाबा के दरबार में हाजिरी लगेगी उतने काम निश्चित बनने के लिए तैयार है। बोल श्याम प्यारे की जय। देखिए एक दीवाना बाबा का पहुंचा खाटू धाम, नॉर्मल आदमी था, कोई वीआईपी नहीं था, किसी से उसकी पहचान नहीं थी, सिंपल आदमी था। और जो सिंपल आदमी होता है उसको आगे कौन खड़ा होने देता है, वो बिल्कुल किनारे में खड़ा हो गया जाकर, और वहां से उसने आवाज लगाई बाबा से, बाबा फुर्सत मिले तो मुझ गरीब पर भी एक नजर डाल देना, आपकी एक नजर में ही मेरा काम बन जाएगा। और उसने क्या कहा, श्याम तू क्या जाने खड़ा है कोने में एक दास, श्याम तू क्या जाने खड़ा है कोने में एक दास। जो अपने आप को सिंपल समझते हैं वो जरूर गाना, जो वीआईपी समझते हैं भले ही मत गाना। अरे हसरत से हसरत से वो तुमको देखे करे यही अरदास श्याम।
No, no, no.
भर आई, आंख भर आई।
बाबा के साथ साथ निकला है। इस यात्रा का एक ही मकसद है, आपने हम पर इतनी कृपा करी, 50 साल तक आपने अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर रखा, इसके बदले में हम कुछ नहीं कर सकते। आपका शुक्रिया अदा करने के लिए हम पैदल चल रहे हैं, और पैदल इसलिए चल रहे हैं कि सारे रास्ते में जो भी कोई आपको देखे वो आपका बन जाए, क्योंकि ये देव ऐसा है, ये एक ऐसा चुंबक है जो अपनी ओर खींचता है। मार्केट में जो चुंबक मिलता है ना, वो लोहे को खींचता है, और जब छोड़ता है तो लोहा लोहा ही रहता है। लेकिन ये एक ऐसा चुंबक है जो गिरे पड़े हारे कुचले दबे उनको खींचता है, पर खींचकर अपने से दूर नहीं करता है, बल्कि 24 करेट गोल्ड बनाकर खड़ा कर देता है। जिसकी कहीं पहचान नहीं होती उसकी पहचान बना देता है, जिससे कभी कोई बात नहीं करता उसके दुनिया में कुछ होने लग जाती है। इसी मकसद के साथ कि जो भी इस दरबार के दर्शन करे, और जो भी इस दरबार में अपनी अर्जी अपनी व्यथा बाबा को सुनाए, वो अर्जी लेकर हम खाटू धाम जाएं और बाबा उनका काम बनाए। हमारा परम सौभाग्य है कला भवन के ही नींव की ईंट हमारे साथ श्री पुरुषोत्तम जी जगराम का, जो कि खाटू धाम विराजते हैं, और खाटू धाम में रोज कोई ना कोई भक्त आते हैं, और कभी किसी को कोई भी तकलीफ होती है तो टेलीफोन से अरदास करते हैं कि भैया हम तो यहाँ पर बैठे लेकिन मुसीबत आ गई, आप बाबा के पास तो बाबा से अरदास कर दो। तो ये बाबा के प्रेमियों की अरदास बाबा से रोज बाबा के निज मंदिर में खाटू धाम में मंगला आरती में करते हैं, और भक्तों का काम बनता है। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ हैं, कला भवन के साथ हैं, और पैदल निशान लेकर चल रहे हैं। प्रेमियों, सुबह बाबा की सवारी 8 बजे ठीक यहाँ से प्रस्थान करेगी। सुबह आरती में अगर आप शामिल होना चाहें, 7:30 बजे बाबा की आरती होगी, आप जरूर पधारें, और अपने बाबा को जो कुछ कहना है बाबा के सामने कह देना, ये मेरा विश्वास है कि काम बनेगा। आज हमारे बीच हम लोगों को ये जो व्यवस्था यहाँ पर हुई,
इस व्यवस्था में श्री पवन जी झुंझुनवाला और हमारे महेश भैया, महेश जी शर्मा, इनके मामा जी यहाँ पर, इनके जीजा जी, सॉरी मामा जी तो ये हैं बच्चों के, ज्ञान भैया के, लेकिन महेश भैया श्याम कला भवन को बिलोंग करते हैं। और कलकत्ते में इन्होंने कहा कि डेयरी ऑनसन के सारे आगमन की सारी तैयारियां वहां पर होगी। महेश भैया का तो शुक्रिया क्या अदा करूँ, ये हमारे अपने हैं, लेकिन मैं श्री पवन जी झुंझुनवाला जी से निवेदन करूंगा, समाज सेवी हैं, सुप्रसिद्ध उद्योगपति समाज सेवी हैं, कि कृपया वो एक बार दरबार में आए। और मैं जीजा जी से नहीं, श्री संत कुमार जी शर्मा, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कृपया वो भी एक बार दरबार में आ जाए, श्री पवन जी झुंझुनवाला जी एक बार दरबार में आ जाए। आपने जो बाबा की आगवानी की है, इसके एवज में हम पवन जी मेरीवाल जी वो भी आ जाए, आपने जो बाबा की आगवानी की है इसके एवज में हम आपको क्या दे सकते हैं, लेकिन श्री श्याम कला भवन की तरफ से एक शॉल उठाकर और एक प्रतीक चिन्ह प्रदान करेंगे। मैं निवेदन करता हूँ श्री सुरेश जी सौंधलिया जी से कि कृपया वो शॉल उठाकर श्री पवन जी का, पवन जी झुंझुनवाला जी, बाबा का प्रतीक चिन्ह प्रदान करेंगे। मैं निवेदन करूंगा श्री संत कुमार जी शर्मा जी से, कृपया वो एक बार दरबार में पधारें। और मैं निवेदन करूंगा पोछीवाल जी से कि एक बार वो दरबार में पधारें और जीजा जी को सॉल उठाकर आप सबका मैं पवन जी बेरीवाल जी से निवेदन करूंगा कि वो एक बार दरबार में पधारें। राजीव जी कावड़ा जी से निवेदन करूंगा, श्री श्याम कला भवन का पटका उठाकर इनका स्वागत करेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह 7:30 बजे बाबा की आरती होगी। आई भाई दो मिनट के लिए भाई साहब कुछ बोल रहे, फिर अभी बाबा की आरती होगी। हाँ हाँ, मैं महेश जी भैया से निवेदन करता हूँ कृपया एक बार दरबार में, और मैं राजा भैया से निवेदन करूंगा कि वो महेश जी शर्मा को श्री श्याम कला करें। कम महेश जी हम श्री श्याम कला भवन का दुपट्टा उठाकर स्वागत करेंगे। श्याम कला भवन निशान पद यात्रा जो 1800 किलोमीटर की दूरी है, आज हम लोग को सोच के भी बहुत अचंभा होता है कि 1800 किलोमीटर की दूरी से पैदल यात्रा कर रहे हैं। बाबा के दरबार में यूं तो सब आते हैं और बाबा उनको बुलाता है, जो बाबा की इच्छा होती वही जाते हैं। हम तो उन भक्तों की सेवा करके ही खुश हैं, बाबा अपने आप ही हम लोग को आशीर्वाद दे देंगे। मैं इतनी दूर से आए हुए सभी भक्तों का अपनी मारवाड़ी समाज केहरी की तरफ से शॉल देके उनका सम्मान बढ़ाना चाहता हूँ। मैं आग्रह करता हूँ श्री पुरुषोत्तम लाल जी से, पुरुषोत्तम शर्मा जी से, कृपया वो सामने आवे, और मैं आग्रह करूँगा श्री संत शर्मा जी से कि वो शॉल देके श्री पुरुषोत्तम जी को सम्मानित करें।
मैं बुलाना चाहूंगा भजन सम्राट श्री संजय मित्तल जी को कि प्लीज संजय भैया, मैं श्री श्री पवन झुंझुनवाला जी से आग्रह करूंगा कि पवन भैया को संजय भैया को सम्मानित करें। कोलकाता से ही आए हुए श्री सुभाष शर्मा जी, अरे राजा भैया आराम कर रहे हैं। अच्छा तो अरे तू ले लेना श्री चलिए भक्तों की इच्छा है कि वो स्मृति सिंह मैं श्री सुर एक अपने पास से ऐसे भी सज्जन हैं जिनको बुलाना मैं जरूर समझूंगा, श्री सुरेश सुंदरिया जी जो कि अपनी धर्म पत्नी के साथ पैदल इस 1800 किलोमीटर की यात्रा में शामिल हैं। मैं उन दोनों जनों को बुलाना चाहूँगा कि यहाँ पे आने का कष्ट करें। आइए पवन बेनीवाल जी कृपया आइए। जोत में चल जाते हैं, रुक जा उनको जोत में जाने देंगे। बाबा की आरती करेंगे, सब कुछ मिलकर सब बैठे रहें, बैठ के बाबा की आरती करेंगे। भाई साहब आइए बाबा की आरती शुरू करेंगे। क्या
सदा वसंतम हृदय
मैं तो पसर पसर था।